हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये जोकर का रियलिस्टिक सा पोर्ट्रेट, जो कि मैं टोटली चारकोल की मदद से ड्रॉ करने वाला हूँ। और आज इसी के ऊपर मैं ग्रिड मेथड का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में ये बताऊँगा कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर ग्रिड डालना पड़ेगा, तो लेट्स मूव टू अ ग्रिड मेथड। फाइनली मैंने ग्रिड का अप्लाई कर लिया है मेरे पूरे पोर्ट्रेट पे। तो अब हमें ड्रॉ करना है इस ग्रिड्स को हमारे पेपर पे, जिसे हम एक एक पार्ट काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, अब हमें ड्रॉ करना है इस वाली ग्रिड्स को हमारे पेपर के ऊपर। बाय द वे, पेपर में यूज़ कर रहा हूँ ब्रश स्ट्रोक का 200 जेसम वाला नॉर्मल पेपर, जो कि स्केचिंग के लिए नेक्स्ट लेवल होता है। अब ये ग्रिड्स को हमें इस पेपर पे ड्रॉ करना होगा, तो मैंने हाफ हाफ इंचेस का ग्रिड बॉक्स बनाया हुआ है, जिसे मुझे अब पेपर पे ड्रॉ करना है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर के साइड से सबसे पहले हाफ हाफ इंचेस का डिस्टेंस से मार्क कर लूँगा, जो कि हमारी ग्रिड लाइन्स होंगी अपर साइड से। सो अब उसके बाद साइड से भी हमें उसी तरीके से मार्क कर लेना है, सिंपली जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब आपको सिंपली उस लाइंस को जॉइंट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिससे हमें जो बॉक्स है वो काफ़ी एक्यूरेटली मिल पाएंगे। अब हमारी ग्रिड मेथड पूरी रेडी है, अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग से मैं ड्रॉ करूँगा आइज से, बिकॉज आइज सबसे मेन पार्ट होता है, जिसपे फोकस होता है पूरे पोर्ट्रेट का। तो सबसे पहले आइज से मैं स्टार्ट कर दूंगा। आइज से मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे भी आपको पोर्ट्रेट्स बनाने में। तो गाइस, आप जब भी पोर्ट्रेट बना रहे होंगे ग्रिड मेथड की मदद से, तो एक बात जरूर याद रखना कि जब हम पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं ड्रॉ करने के लिए, तब हर एक पार्ट हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बस बॉक्स में हमें लाइंस खींचना नहीं होता, बस स्टेप बाय स्टेप हमें पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करके उसका एंगल और डेप्थ को देखना पड़ेगा, उससे आप हाइपर रियलिस्टिक से आर्टवर्क्स को बना पाओगे। क्योंकि आउटलाइन ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है जब आप हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग को बनाना चाहते हो। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।